सो गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक, जहाँ मैं फीचर करता हूँ इंडिया के जाने माने एथलीट्स और ऐसे एथलीट्स जो हम सबको मोटिवेट और इंस्पायर कर देते हैं लाइफ में, एक ही लेसन देते हैं हमें कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और आज का क्विज, जैसे आपको पता है मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ एक चीज़ देके जाता हूँ, सो एक क्विज ज़रूर करेगा, बिकॉज सबसे बड़ा टॉपिक आजकल क्या है यंग लड़कों में कि यार सेक्स ड्राइव, कि सर मैं क्या टेस्ट बूस्टर मुझे लेना चाहिए, क्या मैं लूँ जिससे मेरी सेक्स ड्राइव ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अगर लो है, बहुत नॉर्मल इशू है ये, बट अगर आपको इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि आपकी सेक्स ड्राइव लो है या आपको टेस्ट बूस्टर की ज़रूरत है या नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एक ज़बरदस्त क्विज से आपको पता लग जाएगा शुड यू टेक इट, पैसे खर्चने या पैसे बचाने हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं आज के एथलीट की। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस जो आज के एथलीट हैं इनकी मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज मैं तो सारे एथलीट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज ये थोड़े स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए बिकॉज इसे कहते हैं ना, ये एक टॉर्च बेरर है इंडियन बॉडी बिल्डिंग के। आप मेरे ख्याल से बहुत छोटे होंगे जब आप इनका नाम सुनते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सुहास खामकर की। अब सुहास खामकर का नाम जोड़ा जाता है लेजेंड्स कि भाई अगर बॉडी बिल्डिंग के कोई लेजेंड्स हैं तो वो हैं सुहास खामकर भाई। अब सुहास खामकर जो है वो कोल्हापुर के। अब आपने कई इनके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखे होंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने सुहास भाई का नाम कैसे सुना, सो मैं बात करूँ आज से 5-6 साल पहले की, तो सुहास भाई मुंबई में रहते हैं, तो ये दिल्ली में आए थे। तो दिल्ली में आए थे तो इनका बहुत, आपको पता है इनका तो हर जगह क्रेज़ होता है, तो ये आए, एवरीबडी वॉन्टेड टू मीट हिम। तब मुझे पता लगा कि यार एक बॉडी बिल्डिंग की बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिससे लोग इनकी और भी ज़्यादा इनको वैल्यू करें, और भी ज़्यादा इनकी इज्जत बढ़ जाए। तो मैंने इनको देखा, एवरीबडी वॉन्टेड टू मीट अप विद हिम। तब ऑब्वियसली मैं बॉडी बिल्डिंग में था नहीं, मैं जॉब करता था, तो मैंने देखा, मैं इनसे मिला भी, तो मैंने इनसे बात हुई है, नीनो ही वॉज वेरी वेरी नाइस, बहुत कर्टियस। तब मुझे समझ आ गई कि वॉट मेक्स अ चैम्पियन, इट्स इज ह्यूमिलिटी, कितने हम्बल थे। और लेटर ऑन आई एंडेड अप स्पीकिंग विद हिम, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स जस्ट माई ट्रिब्यूट टू सुहास भाई, बिकॉज मैं इनसे एक दो बार ही मिला हूँ, आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद हिम, बहुत ही। और मेरे को शायद ये लगता है कि आप काफ़ी लोग सुहास भाई को फॉलो करते होंगे, बट आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता नहीं होगा। सो मैं जो भी आज आपको उनके बारे में बताऊँगा, बेस इज माई रिसर्च, जो भी मैंने इनके बारे में करी है, एंड आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे। सो जैसे मैंने पुकार, सुहास भाई का जन्म हुआ कोल्हापुर में। अब इनकी फैमिली में सारे, ऐसे कहते हैं ना, सारे स्पोर्ट्स पीपल थे। इनका भाई सुनील भाई बॉडी बिल्डर, इनके फादर रेसलर, इनके दादा रेसलर, तो फैमिली में इतना स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर था ना, तो सुहास भाई तो शुरू हो गए स्कूल में ही ये फिटनेस में आ गए। यू नो ही वॉज वन ऑफ दीज गाइज जो वेरी फिट। आपने देखा होगा अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के लोग हो ना, तो आपको एक डेफिनेटली एज मिलता है। और सुहास भाई के जीनेटिक्स तो माशाल्लाह आपको पता ही है, ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड जीनेटिक्स, बिकॉज फादर रेसलर, दादाजी रेसलर, तो ऑब्वियसली भाई बॉडी बिल्डर, तो इनको तो बॉडी बिल्डर बना ही था। लेकिन इनके जो फादर थे वो इनको हमेशा बोलते रहते, भाई तुम्हें रेसलर बनना है, तुम्हें रेसलर बनना है, रेसलर बनो, बहुत स्कोप है। लेकिन सुहास भाई का तो इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में था, तो इन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो भाई मेंटोर्ड हिम, इनके जो बड़े भाई थे सुनील भाई, ही मेंटोर्ड हिम एंड ही बिकेम अ टॉप नॉच बॉडी बिल्डर। धीरे धीरे करते रहे और ये बॉडी बिल्डर बन गए, रेलवे में इनकी जॉब है। तो वहाँ इन्होंने देखा कि यार आई शुड ऑल्सो कम्पीट ना, मैं तब की बातें कर रहा हूँ गाइस, अर्ली 2000s की, लेट 90s की, यू नो उस दौरान की, उस दौर में बॉडी बिल्डिंग वॉजन दैट बिग, ना सोशल मीडिया हुआ करता था, लोगों को पता ही नहीं होता था बॉडी बिल्डिंग क्या है, और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन बहुत लोकल हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा लोकल, और जैसे कहते हैं ना, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने एक दो बार ये देखे भी हुए हैं। लेकिन वहाँ पे इन्होंने हर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतने शुरू कर दिए, 2000 से लेके 2018 तक ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जीतते आ रहे हैं। मुझे याद है इन्होंने एक कॉम्पिटिशन जीता, मेरे ख्याल से ये पहले थे जिन्होंने मिस्टर एशिया जीता था, बहुत इनका बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया था, दैट वॉज इन 2010, जब हमने सबके बारे में, तब एक्चुअल में द होल ऑफ इंडिया गॉट टू नो हु सुहास खामकर भाई है। तो वहाँ 2010 में जब इन्होंने मिस्टर एशिया जीता, तब इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया कि भाई आई हैव अराइव्ड। और वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, मुंबई बॉडी बिल्डिंग, महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग, इट वॉज ब्लॉसमिंग, वहाँ से खेल रही थी। वहाँ सुहास भाई का ऐसा टेरर होता था ना बॉडी बिल्डिंग में, आज भी है, यू नो, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सुहास काम करके भाई की ये लगती है, जो मैं आपको एक लेसन देने वाला हूँ, वो एक बहुत ही सिंपल है यार,
इन्होंने काफ़ी दौरान में बीच में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी, ही वेंट लो प्रोफाइल। इनके बारे में आई थिंक दैट वाज अबाउट 2015-16। इनकी एक बहुत जैसे कहते हैं इन्होंने एक इमोशनल आउटपोर करा था जब इन्होंने वापस एंट्री करी थी और 2018 में इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था। इन्होंने एक बहुत इमोशनल स्पीच दी थी एक। किसी को मालूम नहीं था कि मैं आज मिस्टर ओलंपिया खेलने वाला हूँ। मैंने किसी को बोला ही नहीं था, सिर्फ मेरे वाइफ और मेरे दो तीन दोस्त लोग, उनको ही मालूम था कि ओलंपिया खेलने वाला हूँ। वहाँ पे आपने अगर याद हो इन्होंने एक बात बोली थी कि यार मैं जो हूँ ना, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ओलंपिया की तैयारी कर रहा हूँ, मिस्टर ओलंपिया की तैयारी कर रहा हूँ, जो एमेचर ओलंपिया हुआ था। और नोबडी न्यू कि ये आएंगे नहीं आएंगे किसी, और ये सडनली एंट्री मारते हैं और ये जीत जाते हैं। तो मैं एक ही बात, एक ही मैसेज आपको बोलूँगा गाइस, जो भी आपके बड़े बड़े प्लान्स हों, जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हो, कुछ भी, कीप इट टू योरसेल्फ। दुनिया को मत बताओ कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, या मैं ओलंपिया में जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या होता है ना, समटाइम्स जैसे कि नज़र लग जाती है। अब वो होता है कितना सच होता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा लोगों को ये हो जाता है, जब आप बोल दो ना तो एक आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, भाई यार ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ बोलो ना, आप किसी, आपको आपको जानता ही नहीं कि आप आओगे नहीं आओगे। अगर आप इमेजिन करो, अगर सुहास भी बोल देते कि मैं आ रहा हूँ, एक अनड्यू प्रेशर हो जाता है सबके ऊपर, अरे वो आ रहे हैं तो फिर एक एक्सपेक्टेशन मीट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो गए, कहते ना कर हर मैदान फतेह, सीधा जीता और स्पीच दी एंड ही वाज आउट। ही प्रूव्ड अ पॉइंट टू हिमसेल्फ, ही प्रूव्ड अ पॉइंट टू एवरीबडी। तो लाइफ में जो भी गोल पकड़ो ना, कीप इट लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल होकर काम करो। और सुहास भाई के लिए तो लो प्रोफाइल होना मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होगा, बिकॉज जब भी ये कुछ भी करते हैं एवरीबडी लुक्स अप टू हिम। अगर ये कहीं चले भी जाते हैं एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लाइक हिम। और जिसे कहते हैं ना, जो बॉडी बिल्डिंग की जो कमान है, जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग की कमान है, ये उनमें से एक है जिन्होंने संभाली थी। कई इनके साथ के बॉडी बिल्डर्स थे, मुकेश गहलोत जी, संग्राम चौगले, सुनील यादव, मैं सबको कवर करूँगा, बट सुहास खामकर भाई का एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ना इंडियन बॉडी बिल्डिंग पे, आई एम टेलिंग यू इट्स ही इज अ लेजेंड। और जिसे कहते हैं एक दरवाज़ा जो खोला है इन्होंने महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग का और एक इंडियन बॉडी बिल्डिंग का, इंटरनेशनल का, इट्स कमेंडेबल। आई सो आई सल्यूट सुहास भाई। और आप जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, एक लेसन ज़रूर लेना इनसे यार, कीप इट लो प्रोफाइल। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने मर्जी बड़े एथलीट बन जाओ, लेकिन जब भी तैयारी करो लो प्रोफाइल होकर करो। फिलहित भी यही करते हैं, अगर वो तैयारी करते हैं दैट दे डोंट पुट टू मेनी पिक्चर्स, वो धीरे धीरे महीने में दो महीने में एक पिक्चर डाल देते हैं, सो दैट नोबडी शुड नो कि क्या कर रहा है। नोबडी शुड नो दैट, इट्स ओनली यू। अपने प्लान्स अपने तक, उनको एग्जीक्यूट करो एंड थ्रैश देम, दैट्स व्हाट सुहास भाई इज ऑल अबाउट। जो भी प्लान बनाते हैं टॉप पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो चाहे लाइफ हो। लाइफ में याद रखना, लो प्रोफाइल होकर काम करो, और लो प्रोफाइल होकर काम करोगे तो आगे जाओगे ही जाओगे। सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज सुहास भाई की जर्नी बहुत अलग ही रही है, स्पोर्ट्समैन की यू नो बैकग्राउंड, स्पोर्ट्समैन के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करा, फिर स्पोर्ट्स से इनको जॉब मिल गया, स्पोर्ट्स से इन्होंने करियर बनाया और ऐसा करियर बनाया कि पीपल लुक अप टू हिम। और जैसे मैंने आपको कहा, एक क्विज आपका इंतजार कर रहा है, टू चेक आउट दैट क्विज। यू नो जो लोगों को आजकल बहुत है ना कि टेस्ट बूस्टर लूँ ना लूँ, ज़रूरत है लेना पड़ेगा नहीं, तो एक क्विज है, टू चेक इट आउट, आपको एक मिनट में पता लग जाएगा कि आपको उसकी ज़रूरत है नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, और एक नए एथलीट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन सी यू सून।